आसमान से पत्थरों की बारिश। जी हाँ, कई हदीसों में लिखा है कि जब जुल्म बढ़ जाएगा, ज्यादती बढ़ जाएगी और कयामत बहुत नज़दीक होगी तो आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगेगी। वरकातुहू, आप हजरात जो ये बारिश देख रहे हैं, बारिश के साथ में आसमान से पत्थर बरसते हैं, कोई ये कंप्यूटराइज कोई चीज नहीं है, ना कंप्यूटराइज है, बल्कि कुदरत का अल्लाह का अज़ाब है। जब मुसलमान अपने अमाल से हट जाएगा, ईमान अमाल को छोड़ देगा, तो हदीस पाक में अल्लाह ने फरमाया कि आसमानों से पत्थर बरसेंगे और ये बारिश तुर्की के अंदर हो रही है और इसमें साथ में पत्थर बरसेंगे। जरा गौर से देखें इसे। अस्सलाम वालेकुम, हर मुसलमान को शेयर करें, पहुंचाएं कि ईमान और अमाल पे आ जाए, अल्लाह के हुक्मों पे अपनी जिंदगी गुजारें, नमाजों की पाबंदी करें। आज मुसलमान 95% मुसलमान नमाज को छोड़ के जिंदगी गुजार रहे हैं। जब नमाज को छोड़ देगा ईमान वाला, अमाल को छोड़ देगा, तो आजाब आएंगे, आसमानों से पत्थर बरसेंगे। ये अल्लाह के नबी की हदीस है, हर मुसलमान तक इसको शेयर करें, जरूर पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम।